Hey guys, this is Road Kitirin. I'm back with another video. अगर आपने मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बिल्कुल फ्री है, उसका फायदा ही होगा। जब भी मैं अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो जब भी हम बात करते हैं इंडिया में अवेलेबल प्रोटीन सोर्सेज की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तीन नाम आते हैं। फर्स्ट है एग, सेकेंड है चिकन ब्रेस्ट और थर्ड है फिश। इन तीनों के टॉप थ्री में आने का एक वैलिड रीजन भी है, वो है कि इन तीनों चीजों में एमिनो एसिड्स की जो चेन होती है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स की प्रोफाइल होती है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। आप लोगों को जिनको नहीं पता कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, तो एमिनो एसिड्स हमारे प्रोटीन में अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारी मसल बिल्डिंग में, मसल रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये होता है एमिनो एसिड्स का काम। बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो टॉप फाइव प्रोटीन सोर्सेज जो सिर्फ वेजिटेरियन लोगों के लिए है। जो शाकाहारी लोग हैं इंडिया में, तो वो बोलते रहते हैं भाई हम क्या खाएं, हम क्या खाएं, हम अंडे चिकन नहीं खाते। तो ये वीडियो है सिर्फ आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें जिसने नहीं किया। बात करते हैं फूड नंबर वन की, जो है सोया चंक्स। 100 ग्राम सोया चंक्स में आपको 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, जो कि किसी भी फूड से बहुत ही ज्यादा प्रोटीन आपको प्रोवाइड करता है। मैं आपको ये बात एक एग्जांपल से समझाता हूं कि 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में, जो कि बेस्ट सोर्स है नॉनवेज के लिए, चिकन ब्रेस्ट 100 ग्राम में 32 ग्राम ऑफ प्रोटीन अवेलेबल है, और वहीं 100 ग्राम सोया चंक्स में आपका 52 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है। तो प्रोटीन के मामले में सोया चंक्स सबसे बेस्ट सोर्स है, सबसे हाई प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो 100 ग्राम में आपको 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, 33 ग्राम ऑफ कार्ब मिलेगा और थोड़ा बहुत फैट मिलेगा। बट कार्बोहाइड्रेट की मैं आपको एक बात बताता हूँ, 33 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 13 ग्राम फाइबर भी मिलेंगे, जो फाइबर आपका डाइजेशन अच्छा करते हैं, तो उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले। आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि सोया चंक्स खाने से हमारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, तो इसको क्या करें, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा कम हो जाता है। तो इसका भी एक इलाज है, हर चीज की एक लिमिट होती है, तो आपको उस लिमिट से आगे नहीं जाना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 50 ग्राम सोया चंक्स डेली यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 25 ग्राम या 26 ग्राम सीधा सीधा प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि बेस्ट है। अब बात करते हैं फूड नंबर टू की, जो है पनीर। 100 ग्राम पनीर में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 20 ही ग्राम फैट मिलता है। तो प्रोटीन और फैट की रेशियो इक्वल है, तो प्रोटीन तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब बात करते हैं इस फैट का क्या करें। आप इस फैट की बिल्कुल चिंता ना करें। फैट है क्या, फैट है आपकी कैलोरीज, तो कैलोरीज आप बर्न भी कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है कि आप पनीर यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं फूड नंबर थ्री की, जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट सोर्स है, वो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, ये हाई प्रायोरिटी है मेरे लिए, कि जो है आपके आलमंड्स, जो आपके ड्राई फ्रूट्स है, बट सबसे पहले आपके आलमंड्स, जो आपके बादाम होते हैं। बादामों में आपका जो फैट होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बादामों में प्रोटीन भी अवेलेबल है, फैट भी अवेलेबल है, कार्ब ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बट जो इसका फैट है ना, वो आप समझो, एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। एक होता है हमारे बॉडी के लिए अच्छा, एक होता है हमारी बॉडी के लिए खराब। एक बढ़ाता है हमारा वजन, एक हमारे मसल बिल्डिंग और फैट लॉस में हेल्प करता है। बट जो बादामों में जो फैट अवेलेबल है, वो हमारी मसल बिल्डिंग करता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है, और वो फैट हमें बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, हमारे हार्ट के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। तो तीसरा सोर्स है आपका बादाम। आप पीनट बटर भी यूज कर सकते हो करना चाहो तो, और काजू भी यूज कर सकते हो, अखरोट भी यूज कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट है ड्राई फ्रूट्स। अब बात करते हैं फूड नंबर फोर की, जो है लिग्यूम्स। राजमा, दालें और चना, ये तीन ऐसे सोर्स है जो हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, और 100 ग्राम आपकी दाल में, आपकी किडनी बीन्स में और आपके चने में आपको लगभग 10 से 11 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, और ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है। कार्ब भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है 20 से 25 ग्राम के पास, पर टेंशन ना लो, उनमें 6-7 ग्राम फाइबर है, जो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। और बॉयल राजमा, बॉयल दाल और बॉयल चना आपका फैट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आपने देखा होगा जो भी लोग फैट लॉस करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं या कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है वो बॉयल चीजें खाते हैं, बॉयल दाल, बॉयल राजमा, बॉयल चिकन, बॉयल अंडे। तो बॉयल के पीछे का यही रीजन है। तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको प्रोवाइड करते हैं, और ये भी एक बेस्ट सोर्स है।
अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 5 की, जो है वे प्रोटीन। कुछ लोग बोलेंगे कि हम डब्बे थोड़ी खाएंगे, हम पाउडर थोड़ी खाएंगे, तो भाई ये अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको नहीं पता कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। वे प्रोटीन आपका दूध से बनता है। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हम दूध क्यों ना पी ले, तो भाई 1 लीटर दूध में आपका इतना साल वे निकलता है जिससे आपका प्रोटीन बनाया जाता है। तो आपको 500 लीटर दूध पीना पड़ेगा अगर आपको उतना ही हाई क्वालिटी वे प्रोटीन चाहिए। तो वे प्रोटीन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपका एक 5000 का डब्बा आ जाता है, 5000 के डब्बे में आपको 2 महीने की सर्विंग मिलती है। आप पोस्ट वर्कआउट में 1 स्कूप डेली ले सकते हो, तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन डायरेक्ट मिल जाता है और हाई क्वालिटी प्रोटीन, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जो लोग वेजिटेरियन है। एक बार इन्वेस्ट करने हैं 5000 रुपए, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है, बट एक बार इन्वेस्ट करने 5000 रुपए अगर जिसको चाहिए प्रोटीन सोर्स, और 2 महीने तक आपको प्रोटीन की सप्लाई आफ्टर वर्कआउट मिलती रहेगी। तो ये थे वो 5 प्रोटीन सोर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि ये वेजिटेरियन लोगों के लिए क्यों बेस्ट है। तो बस आप बोल रहे थे कि लाओ वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स, लाओ वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स, तो ये रहे आपके वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके लिए कौन से बेस्ट प्रोटीन सोर्स है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाइयों लाइक जरूर करें, भाइयों कर दो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूले। लाल कलर का बटन है, वो लाल कलर का नहीं, अब वो है 1 मिलियन बटन, उसको साठ बन जाओ और उसे तोड़ दो। 1 मिलियन का सब्सक्राइब होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, जाए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करे। मैं वहां डेली अपडेट डालता हूं जो मैं यहां डेली नहीं डाल सकता हूं, जैसे मैन बन। अगर आपकी क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल या परसों। टिल देन, नॉट पीस गेन्स।